नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। स्वर्गीय मुन्ना वर्मा की धर्मपत्नी नूतन वर्मा हुई 111 गोरिया कोठी विधानसभा की राजद उम्मीदवार। स्वर्गीय वर्मा की धर्मपत्नी नूतन वर्मा को राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा राजद उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ग्रामीणों एवं विधानसभा में खुशी की लहर है एवं विधानसभा में नूतन वर्मा एक सनसनी बनी हुई है। नूतन वर्मा जी का कहना है कि मैं जनता के साथ हूँ, जनता हमें समर्थन देगी, हमें पूर्ण विश्वास। नूतन वर्मा जी ने टिकट मिलते ही अपने पूर्वजों एवं पति स्वर्गीय मुन्ना वर्मा जी के स्मारक स्थल पर जन समर्थकों के साथ जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और दूर दूर से आए समर्थकों का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद स्वरूप प्यार और समर्थन मांगे और कदम से कदम मिलाकर कार्य करने का वादा की। देखिए गोरिया कोठी से कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी जी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। हम है आज इसी पंचायत में जो गोरिया कोठी प्रखंड 111 विधानसभा के मुख्य उम्मीदवार आज राजद की स्वर्गीय मुन्ना वर्मा जी के धर्मपत्नी नूतन वर्मा जी हैं, जो कि आज अपने उम्मीदवारी के जो है कि दावा के साथ साथ जो है कि तेजस्वी यादव ने टिकट प्रदान किया है, जो कि आज जो है जनसभा उड़ा पड़ा है। आज जो है कि सभी अपने अपने जो है कि उम्मीदवारी के साथ जो है कि अपने उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। ग्रामीणों का जनसभा उड़ा पड़ा है। पहले जो है कि यहाँ अपने पूर्वजों को जो है कि पहले आशीर्वाद लेंगी नूतन वर्मा जी और मल्यार्पण करके इसके बाद जो है कि यहाँ पर सभी ग्रामीण जो है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार का जो समर्थन करेंगे। तो आप आगे देखें, मल्यार्पण प्रदान कर रही हैं नूतन वर्मा जी।